दोस्तों, अगर आप नए इलेक्ट्रिशियन हैं तो बहुत से इलेक्ट्रिशियन के मुंह से आपने सुना होगा स्क्वायर फीट, इतने स्क्वायर फीट का काम लिया है हमने और इतने रुपए प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब से काम लिया। तो ये स्क्वायर फीट होता क्या है, चलो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं ये छत है पूरी, अभी इसका स्क्वायर फीट होता क्या है भाई, चलो मैं आपको समझाता हूँ। देखो वो वाला कॉर्नर, वहाँ से लेकर यहाँ तक जितना साइज होगा, ठीक है, और यहाँ से लेकर वहाँ तक जितना साइज होगा, इस इन दोनों साइज़ों को मल्टीप्लाई कर दें। एग्जांपल, वहाँ से यहाँ तक 50 फीट है, यहाँ से यहाँ तक 30 फीट है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको साइज़ निकल के आ जाएगा और वही साइज़ का हिसाब आप लगा सकते हैं कि भाई 20 रुपये लिए, 15 रुपये लिए, उस हिसाब से आप प्रति फीट का अंदाज़ा होता है इसके अंदर। ओके, तो इसमें ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पे डब्बा लगा हुआ है, यहाँ पे तो नहीं है इस जगह पे, तो इस जगह का साइज़ क्यों दें हम, ऐसा नहीं होता है इलेक्ट्रिशियन की, मतलब जो साइज़ वगैरह में डब्बा हो या ना हो, काम यहाँ से लेकर के यहाँ, यहाँ से लेकर के वहाँ तक का साइज़ स्क्वायर फिट कहलाता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। और बहुत सारे इलेक्ट्रिशियन पॉइंट्स पे भी लेते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रिशियन पाइप के ऊपर भी लेते हैं, कितना पाइप लग रहा है वह भी टारगेट होता है। उन सब के बारे में मैं और अलग से वीडियो बना दूंगा।